दोस्तों इस समय मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर पाइल कंपोस्टिंग हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पाइल बनाई गई है और इसको बनाने का फ़ायदा ये है कि एक तो इसमें खाद तो आपको मिलेगी ही, लेकिन इसके बनाने में खर्चा ना के बराबर है, बहुत ही कम खर्चा आता है। और लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये एक तो काफ़ी अनऑर्गेनाइज तरीके से आपको दिखेगा, जगह ज़्यादा लेगा, और अगर इसको मेंटेन ना किया जाए, इसमें टाइम से टर्निंग या चर्निंग ना की जाए, तो इसमें खाद बनने में टाइम लगता है। तो अब हम आगे दूसरे और भी तरीके देखेंगे खाद बनाने के जो कम्युनिटी कंपोस्टिंग में यूज होते हैं। थैंक यू। इस समय हम लोग दूसरी जगह पर हैं, दूसरी एक सोसाइटी में हैं। यहाँ पर पिट कंपोस्टिंग यूज़ किया है, जो आप देख सकते हैं ये तकरीबन 3 फुट ऊंचा है, 4 फुट चौड़ा है, 5 फुट इसकी लंबाई है। तो ये यहाँ पर 200 फ्लैट के हिसाब से कम्युनिटी कंपोस्टिंग का सेटअप बनाया गया है। इसका फ़ायदा यह है कि आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से आप यहाँ पर कंपोस्टिंग कर सकते हैं। और इसके लिए दूसरी रिक्वायरमेंट है कि स्पेस होना चाहिए। तो आप चारों तरफ देख पाएंगे कि ये एक पार्क है, जिस पार्क में स्पेस होने की वजह से सोसाइटी ने ये वाला ऑप्शन ऑप्ट किया। खाली इसमें एक ही ड्रॉबैक है कि ये मूवेबल नहीं है, जहाँ आपने एक बार बना के रख दिया वहाँ पर ही आपको कंपोस्टिंग करनी है। अगर आपको किसी और एरिया में पार्क में कंपोस्टिंग करनी है तो या तो आपको नया सेटअप बनाना पड़ेगा या इसका कंटिन्यूशन में करना पड़ेगा। तो इसमें ये नुकसान है, मगर ये भी एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। ओके, तो हम लोग अब एक और जगह आ गए हैं, ये अलग सोसाइटी है। यहाँ पर हम एक और तरह का कंपोस्टिंग का सेटअप देख पा रहे हैं। ये केज कंपोस्टर इसको हम बोलते हैं, ये एमएस मेश से बना है। इसके खास बात यह है कि अगर आपके पास जगह कम है सोसाइटी में, जैसे यहाँ पर एक कॉर्नर ही अवेलेबल था और उसी में ही कंपोस्टिंग करना चाहते थे, तो इस तरह का सोल्यूशन हमने बताया। इसमें ये एमएस आयरन मेश का बना हुआ कंपोस्टर है। इसकी खास बात है कि ये कम जगह में आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो, जगह कम चाहिए। और दूसरा ये मोबाइल है, इसको आप शिफ्ट भी कर सकते हो। अगर किसी जगह पर आप लगाने के बाद देखते हो कुछ आपको किसी तरह की समस्या महसूस हो रही है, तो आप इसकी लोकेशन भी शिफ्ट कर सकते हो। तो इस तरह से ये भी काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है खाद बनाने के लिए, कम्युनिटी कंपोस्टिंग करने के लिए। थैंक यू।